नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने एमए जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें नई शिक्षा नीति लागू कर दी है। तो इस प्रकार से एमए में 4 सेमेस्टर हो गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो कोर्स को भी, जो सिलेबस है उसको भी डिवाइड किया गया है। तो इसमें एमए इकोनॉमिक्स में 4 सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट जो है ये फर्स्ट पेपर है। पहले पार्ट में 4 यूनिट है जिसको हमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। तो पहली यूनिट है डिमांड एनालिसिस, मांग विश्लेषण, व्यापक, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोग अर्थशास्त्र का आदि और अंत है, तो इस कारण से प्रारंभ ही वहीं से किया गया है। मांग, थ्योरीज ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत, इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र, स्टूटस की थ्योरम, इसको मैं पढ़ना है, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, और इन सबको इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से सिद्ध करना है। इसी प्रकार से कंपनसेट आप इसी प्रकार से कंपनसेटेड ऑफ डिमांड कर्व एंड दियर एप्लीकेशन, रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी बाय हिक्स, हिक्स का जो सिद्धांत है उसको हमें पढ़ना है। इसी प्रकार से यूनिट 2 जो है, दूसरी इकाई में हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन और उत्पादन लागत दूसरे यूनिट में पढ़ना है। तो इसमें प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, जो उत्पादन फलन है, शॉर्ट रन अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसी प्रकार से द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न ऑफ स्केल, आइसोकैंट कर्व, समोत्पाद वक्र, टेक्निकल प्रोग्रेस एंड प्रोडक्शन फंक्शन, टेक्निकल प्रोग्रेस तकनीकी उन्नति और जो उत्पादन फलन है, और सीडी थ्योरम कार्ल डगलस उत्पादन फलन। इसी प्रकार से मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कास्ट, जो लागत के आधुनिक सिद्धांत, लागत किसे कहते हैं, लागत का आधुनिक सिद्धांत, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। एम्पिरिकल एविडेंस, डेरिवेशन ऑफ कास्ट फंक्शन, जो लागत फलन है उसको किस प्रकार से निकाला जाएगा, फॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन के द्वारा। तो इस प्रकार से दूसरे चैप्टर में, दूसरी इकाई में हमें उत्पादन और लागत की यूनिट जो है उसमें प्राइस एंड आउटपुट, कीमत और आगम, इसका हमें अध्ययन करना है। तो इसमें ये विनिमय का चैप्टर है, तो इसमें डिफरेंस टाइप ऑफ मार्केट, बाजार किसे कहते हैं, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, और पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार, द्वैधिकार, ये सभी इसमें हमें पढ़ने हैं। प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ ए फर्म अंडर मैनी टाइप मार्केट, ये इसको हमने लिख लिया है। तो इसमें एक फर्म कीमत का निर्धारण कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से, परफेक्ट कंपटीशन में, इम्परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, ओलिगोपोली में किस प्रकार से किया जाता है, उसका हमें अध्ययन करना है। चैम्बरलेन इक्विलिब्रियम, चैम्बरलेन संतुलन, इसको ये क्या है, इसका हमें अध्ययन करना है। थ्योरी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, जो अतिरिक्त क्षमता है उत्पादक के पास, उसका हमें अध्ययन करना है। और चैम्बरलेन ने जो एक्सेस कैपेसिटी के संदर्भ में अपनी व्याख्या की है उसका हमें अध्ययन करना है। सेलिंग कास्ट, विक्रय लागतें हमें पढ़ना है। ओलिगोपोली, अल्पाधिकार,
प्राइस लीडरशिप, कलिश्यू ओलिगोपोली प्राइस रिजिडिटी, कुर्नो का मॉडल, वर्डलैंड का मॉडल, एसवर्थ का मॉडल, ये हमें पढ़ना है, और किंक डिमांड कर, इसका हमें तीसरी यूनिट में अध्ययन करना है। चौथी यूनिट नियो क्लासिकल अप्रोच, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन थ्योरम, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इनपरफेक्ट प्रोडक्शन एंड फैक्टर मार्केट, जो वितरण का जो सिद्धांत है वो किसके बीच में, जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें किसके उत्पादक और जो फैक्टर मार्केट है इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता, उसमें जो सिद्धांत है किस प्रकार से निर्धारित किए जाएं वो हम पढ़ेंगे। डिटरमिनेशन ऑफ रेंट, लगान, लगान किसे कहते हैं, लगान के प्रकार, वेज, मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, मजदूरी किसे कहते हैं, इसी प्रकार से ब्याज, ब्याज के विभिन्न सिद्धांत, और प्रॉफिट, प्रॉफिट और इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसका अध्ययन हम चौथी यूनिट में करेंगे। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पेपर है वो है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का पार्ट वन, जो चार यूनिट में विभाजित है। ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर का सिलेबस। थैंक यू।